अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्लास ये आपका कोर्स टाइटल है जी इकोलॉजी, और आपके कोर्स कोड है जोल 5063 क्रैटोर का ये सब्जेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है जी द नेचर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इकोलॉजी क्या है। ये फर्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है कि द वर्ड इकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाई द जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हाइकल इन 1869। इट वॉज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकस मीनिंग हाउस और प्लेस टू लिव इन। मीन्स टू से के सबसे पहले जब एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट हाइकल, उसने 1869 में ये डेफिनेशन इकोलॉजी लेके आया था कि इकोलॉजी का क्या मतलब इसका मकसद क्या है, ये क्या है इकोलॉजी। वो होती है कि उसने वर्ड में बताया ओइकस मीन्स हाउस और प्लेस टू लिव इन, मीन्स वो जगह जहाँ पर ऑर्गनिजम्स या कोई फैक्टर्स होगा, बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पर रह कर रहते हैं उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। मतलब उसका इंट्रैक्शन होगा इन्वायरमेंट के साथ, बायोटिक फैक्टर्स के साथ, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, ये सारा इसका जो भी इंट्रैक्शन होगा उसे हम इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं, उनका आगे से उनका उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इकोलॉजी के लिए, वो हम स्टडी करते हैं। सेकेंड वन है जी इन्वायरमेंट। अच्छा, इन्वायरमेंट में ये है कि रेफर टू द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड ब्रेवर इट इज़ आल्सो कॉल्ड द हैबिटेट। अब रिचर्ड ने ये बोला है कि जी सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको वो हैबिटेट बना के रहते हैं, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। अब हैबिटेट दो तरह के होते हैं, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, आपको ये पता होगा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट वन है कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम और द इंटर रिलेटनेस ऑफ द फिजिकल फीचर एंड ऑर्गेनिज्म अकरिंग ऑन द गिविंग एरिया। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ इंटर रिलेटनेस, मतलब उनका आपस में क्या ताल्लुक है, किस तरह वो रिलेशन बना के रहते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कह देंगे। ठीक है, अब ये भी आगे इकोसिस्टम के बारे में है कि थ्री सिस्टम ऑफ द इंटर रिलेशन बिटवीन द बायोटिक एंड ए बायोटिक फीचर ऑफ द इन्वायरमेंट। मीन्स टू से कि डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, हर किसी ने बात एक ही की हुई है लेकिन डिफरेंट वे से की हुई है। ठीक है, मीन्स उसने यहाँ पे कह दिया कि जो सिस्टम है उसमें इंटर रिलेशन होता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, मतलब इन शॉर्ट बात वही है कि बायोटिक और एबायोटिक का फैक्टर्स का जो रिलेशन इन्वायरमेंट के साथ होगा उसे हम इकोसिस्टम कह देंगे या इकोलॉजी कह देंगे। अब इसमें तीन चीज़ें, एक्शन है, रिएक्शन है और को एक्शन है। एक्शन क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट एक्ट्स ऑन द कम्युनिटी इन अ मैनी वेज। रिएक्शन क्या है जी, रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। मीन्स टू से कि फिजिकल इन्वायरमेंट का पहले कम्युनिटी पे इफेक्ट, मतलब हम कम्युनिटी पे किस तरह वो एक्ट कर रहा है, फिर बाद में उन्हीं ऑर्गेनिजम्स का अपॉन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब उनका उस पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, आगे को रिएक्शन है, को एक्शन है उसमें क्या है, रेफर टू द इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनिज्म हैव एन अनदर। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट स्लाइड है। अब इसमें जी अकॉर्डिंग टू द ब्रेवर एक्शन, ब्रेवर ने क्या बोला कि एक्शन, रिएक्शन एंड द को एक्शन आर द बेसिस फॉर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी एंड द इकोसिस्टम। मींस उसने तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया कि एक्शन है, को एक्शन है और रिएक्शन है, इनका आपस में जो कम्युनिटी में इनका फंक्शन है, इनका जो स्ट्रक्चर पर बेस कर रहा है वो इकोसिस्टम है, मतलब ये सारा कुछ इकोसिस्टम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है जी, ये इसने क्या बोला आरडी ने कि इसकी डेफिनेशन ये है कि इन दिस डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल इकोलॉजी पिन पॉइंट टू द म्यूचुअलिज्म और द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट ऑन विच दीज आर इंस्टीट्यूटेड। इसमें भी वही बात कि जो ह्यूमन कम्युनिटी बना के रहती है उनका आपस में म्यूचुअलिज्म रिएक्शन होता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। एक कभी भी एक ऑर्गेनिज्म विदआउट एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बगैर रह ही नहीं सकता, उसका आपस में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस तरह सर्वाइव करते हैं दुनिया में, क्या हम खुराक के बगैर रह सकते हैं? ठीक है, और फोटोसेंथेसिस प्लांट्स हमें करके देते हैं, ना कि हम खुद खुराक, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद बना सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से हमें इन्वायरमेंट के साथ, कहीं ना कहीं से बल्कि ऑल वी आर ऑल डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे हमें डिपेंड करना ही पड़ता है, वहाँ पे जितनी चीज़ें होती हैं हमारा उनके साथ रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा जी, हॉर्टन ने क्या है, हॉर्टन ने हंट से कहा है कि ह्यूमन इकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशनशिप टू हिज इन्वायरमेंट। वही बात कि मैंस का, ह्यूमंस का, एनिमल्स का जो रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ होता है वो इकोसिस्टम होता है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बात एक ही किया लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वे से की हुई है। अच्छा जी, थॉमलिंसन ने क्या कहा है जी, इन ही स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन आल्सो एक्सप्लेन दैट ह्यूमन इकोलॉजी इज ब्रॉडर दैन डेमोग्राफिक सिंस इट डील विद द रिलेशन ऑफ द पॉपुलेशन टू एक्सटर्नल फैक्टर एंड द लार्जर यूनिट एज वेल एज विद इंटरनल डायनामिक्स। उसने इसमें ये थोड़ा ब्रीफ कर दिया है कि जो इकोलॉजी होती है वो ना कि सिर्फ उसका रिलेशन पॉपुलेशन से होता है, एक्सटर्नल फैक्टर से,
होता है उसका उसका जो एक अलग से जो इंटरनल डायनामिक भी होता है। ठीक है, ये जी हो गया जी हमारी इकोलॉजी की नेचर क्या आती है, इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसके बारे में क्या है क्या कहा है, ये हमारा इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, थैंक यू।